भाई हम गांव से अभी निकल चुके हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ खेड़ा, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो पार्टी का कॉल आया था तो अभी मैं निकला हूँ। अभी दोपहर के 3 बजे हैं, तो शाम तक अभी मैं वापस आ जाऊँगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो महादेव सभी को दोस्तों। तो अभी मैं निकल चुका हूँ, आगे आपको दिखाते हैं। तो हम अभी धर्मज कंबद वाला हाईवे पे आ चुके हैं। देखिए हाईवे का मस्त नज़ारा। तो यहाँ से धर्मज चौकड़ी जाएंगे, वहाँ पर डीजल भरवाएंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम धर्मज चौकड़ी आ चुके हैं। तो आ चुके धर्मज चौकड़ी भाई। तो यहाँ से डीजल भरवा लेते हैं पेट्रोल पंप पे, बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पेट्रोल पंप की ओर गाड़ी ले ली है, तो अब सीधे चलते हैं पेट्रोल पंप पे, वहाँ से डीजल भरवाते आगे निकलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं जोगण, और ये पेटला द्वारा हाईवे है। देखिए जोगण का मस्त नज़ारा। तो जोगण आ चुका है अभी, देखिए दोस्तों। तो हमने जोगण को यहाँ से क्रॉस कर लिया है। तो दोस्तों अभी सोजित्रा आ चुके हैं, देखिए सोजित्रा की मेन चौकड़ी है। तो यहाँ से हमने सोजित्रा के सिटी में ले लिया है गाड़ी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये देखें सोजित्रा का मस्त नज़ारा है। तो यहाँ से होके हम आगे निकलेंगे, तब वो निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ से अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं डबो। तो ये देखिए डबो गांव आ चुका है यहाँ से, देखिए डबो गांव का गेट है। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे और लेफ्ट हैंड मोड़ लेंगे, तो हमको खेड़ा वाला जो रोड है वो मिल जाएगा। तो अभी यहाँ से खेड़ा जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से फटाफट करके पहुँचते हैं और लोडिंग करके वापस निकलते हैं। इधर दोस्तों देखो खेतों में सभी जगह चावल की खेती है, और अभी इसकी कटाई का सीज़न चालू हो चुका है। तो यहाँ पर सभी लोग कटाई कर रहे हैं इसकी, देखिए। तो अभी हम आ चुके हैं हेरज में। तो अभी यहाँ से थोड़ा और दूर है, बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं रदवाणज। तो यहाँ से जो खेड़ा है वो 2-3 किलोमीटर ही दूर है। और रजवान तक गेट देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया गेट है। तो भी यहाँ से खेड़ा 3 किलोमीटर दूर है, तो फटाफट करके वहाँ पहुँचते हैं और गाड़ी में क्या लोड करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं खेड़ा जाकर। दोस्तों हम अब पहुंच चुके हैं खेड़ा। तो यहाँ से पार्टी को कॉल करके बुलाते हैं कि कौन सी जगह पर लोडिंग करना है, और बाद में दोस्तों आपसे मिलते हैं। तो अभी सामने जो दिख रहा है वो खेड़ा का बोर्ड है, लिम्बासी मातर अहमदाबाद धोड़का, तो ये सभी रोड के बोर्ड लगाया हुआ है, देखिए दोस्तों। गाड़ी हमने लोड
लोड करने के लिए लगा दिए। देखिए ये खेड़ा है, तो यहाँ से लोड होते हम ही निकल जाएंगे। तो दोस्तों गाड़ी में अभी बेस बनना है बच्चे वाली, तो लोडिंग बेस का करके यहाँ से निकलते हैं विरसत की ओर। तो भाई खेड़ा से लोडिंग करके निकल चुके हैं, तो अभी सीधे रजवाणा से होकर वापस उसी रास्ते से चले जाएंगे। देखते हैं रास्ते में, दोस्तों वीडियो में बने रहे। दोस्तों वापस हम आ चुके हैं उंडेरा, तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। छोटा सा गांव है ये, देखिए यहाँ से आगे निकलते हैं। तो दोस्तों आपको पीछे दिख रहा है शीशे में कि हमने गाड़ी में क्या लोडिंग किया है, देखिए तो दिख रहा है आपको बेस, हमको ही दिख रही है पीछे से, बेस कैमरे में दिख रही है। देखिए दोस्तों वो भी गाड़ी में खड़ी है अभी। ये देखिए सामने दोस्तों कोई गांव आ रहा है, देखते हैं कौन सा गांव है। तो भाई यहाँ से पता नहीं चल रहा है कौन सा गांव है। तो यहाँ पर चौकड़ी पड़ती है, तो यहाँ से हमको सीधे ही जाना है। देखिए दोस्तों दोस्तों हमने डबो क्रॉस कर लिया है, डबो का तालाब देखिए। तो यहाँ से अभी जाएंगे सोजित्रा, सोजित्रा से होकर आगे निकलेंगे। अभी सोजित्रा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर वापस सोजित्रा आ चुके हैं, देखिए तो सोजित्रा चौकड़ी है। अब यहाँ से टर्न ले लेते हैं, तो यहाँ से हम अभी जाएंगे पंडोरी जाएंगे, आमोद जाएंगे। तो यहाँ से अब निकल चुके हैं हम, देखिए दोस्तों अभी यहाँ से हमको जो किलोमीटर बचा है वो 25 किलोमीटर अभी बाकी है। तो यहाँ से 25 किलोमीटर ख़त्म करते हैं। वीडियो में दोस्तों बने रहे। आप सपोर्ट देंगे तभी ऐसी वीडियो हम इससे अच्छी क्वालिटी की वीडियो बना पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम आमोद आ चुके हैं, तो देखिए आमोद गांव दिख रहा है आपको। तो यहाँ से हम राइट साइड जाएंगे और ये गांव का नज़ारा देखिए दोस्तों। तो हमने यहाँ से राइट टर्न ले लिया है, अब आगे आएगा पंडोरी आएगा। दोस्तों यहाँ पर हम पंडोरी आ चुके हैं, अभी शाम का टाइम है तो यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है। देखिए कितनी भीड़ भाड़ है यहाँ पर। तो यहाँ से हम सीधे जाएंगे गांव में से होकर आगे निकल जाएंगे। तो गांव का मेन चौराहा आ चुका है अभी। दूध का टाइम है तो यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है। लोग सब्जी घर के लिए सामान ये सब खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो हम तारापुर बगोदरा हाईवे पे आ चुके हैं, तारापुर से बासद वाला हाईवे पे है अभी। तो यहाँ से हमारा गांव अभी 6-7 किलोमीटर और दूर है, तो यहाँ से अभी सीधे चलते हैं और बाद में धर्मद चौकड़ी से हम राइट साइड ले लेंगे।
दोस्तों हम धर्मक चौकड़ी पे आ चुके हैं। देखिए तो अभी दोपहर को 3 बजे गए थे और शाम को 6-7 बजे वापिस आ चुके हैं। तो फाइनली धर्मक चौकड़ी आ चुका है अभी। तो यहाँ से हम राइट चल लेंगे खंबात वाला हाईवे पे। तो खंबात वाला हाईवे आ चुका है, तो यहाँ से हमने राइट साइड ले लिया है दोस्तों। अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर विकसद है, तो सीधे आपको गांव में जाके मिलता है दोस्तों। तो अभी 5 किलोमीटर दूर है। तो अभी देखो दोस्तों हमारी गाड़ी कितनी स्पीड में जा रही है, 50-60 की स्पीड में जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों हम अभी आ चुके हैं विरसत पे। तो दोस्तों ब्लॉग को हम यहीं से एंड करते हैं। तो जय माता जी दोस्तों।